नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। तो सबसे पहली खबर, 10 लाख नौकरियों पर बोले तेजस्वी यादव, जरूरत पड़ी तो सीएम और विधायकों का वेतन रोककर देंगे सैलरी। बिहार में आज दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। इसी बीच महागठबंधन की ओर से सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर युवा नौकरी संवाद किया। संवाद में 10 लाख नौकरियों के वादे को दोहराते हुए तेजस्वी ने कहा कि नीति आयोग की रैंकिंग में बिहार सबसे पिछड़ी है, बिहार को सुधारने के लिए सभी पदों को भरना होगा। उन्होंने कहा, वे पूछते हैं कि पैसा कहां से आएगा, अभी सरकार अपने बजट का 40% हिस्सा खर्चा नहीं कर पाती है, उस राशि का इस्तेमाल किया जाएगा। यदि इस पर भी शक है तो हमारी सरकार बनेगी तो सीएम और विधायकों की सैलरी रोककर नौजवानों को सैलरी दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, मांझी की पार्टी ने रामविलास पासवान के निधन पर उठाए सवाल, न्यायिक जांच की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने लोजपा पर बड़ा हमला किया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने रामविलास पासवान के निधन पर सवाल उठाया है। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री पासवान के निधन, न्यायिक जाँच कराने की मांग की है। रिजवान ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यह मांग की है। पत्र में उन्होंने कई सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा कि रामविलास पासवान के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है, लेकिन लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने पिता के अंतिम संस्कार के दूसरे दिन ही एक शूटिंग के दौरान हंसते और मुस्कुराते दिखे। कट टू कट शूटिंग की भी बात करते रहे। इसमें स्वर्गीय रामविलास पासवान के प्रशंसकों एवं परिजनों के बीच कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। चिराग का नया नारा, नीतीश कुमार तो तेजस्वी खाई, लोजपा भाजपा सरकार बनाई। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन की ओर से सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला है। इसके साथ ही चिराग ने नया चुनावी नारा दिया है, नीतीश कुमार तो तेजस्वी खाई, लोजपा भाजपा सरकार बनाई। सोमवार की सुबह पटना में पत्रकारों से बातचीत में चिराग ने मुंगेर की हिंसा के लिए एक बार सीएम नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के कहने पर ही वहां गोली चलाई गई थी। चिराग ने प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार आयकर विभाग की छापेमारी से परेशान है। सात नीचे में जांच की बात से वह माननी 15 साल सुशासन बाबू का टैग पहने रखा है, लेकिन अब उनकी सच्चाई सबके सामने आ रही है। तेजस्वी ने किया सीएम पर हमला, कहा बीजेपी व आरएसएस की कठपुतली है नीतीश कुमार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री पर कड़ा प्रहार किया। कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी और आरएसएस की कठपुतली है। वे सुपौल, सहरसा व अररिया में महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। सुपौल में तेजस्वी ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि कुछ ऐसी भी पार्टियां आ गई है जो केवल वोट बांटने का काम कर रही है, उनके बहकावे में नहीं आना है। यह चुनाव के साथ बेरोजगारी हटाओ आंदोलन है। यहाँ के लोग दवाई कमाई के लिए पलायन करने पर मजबूर है, यहाँ कारखाना नहीं खुला। अगर उनकी सरकार बनी तो किसानों का ऋण माफ कर देंगे, बिजली बिल को आधा कर देंगे। देश के इतिहास में पहली बार 10 नवंबर को सरकार बनते ही सबसे पहले 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। कहा कि आशा जीविका विकास मित्र को नियमित करने के साथ ही उनके मानदेय को दोगुना कर देंगे। केंद्र और बिहार में एक सरकार के बावजूद यहां की जनता को नहीं कोई स्पेशल पैकेज मिला है और न ही कोई इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर सुशील मोदी बोले, नीतीश कुमार फिर बनेंगे सीएम, तेजस्वी जाएंगे जेल। सूरज पूरब छोड़ भले पश्चिम उग जाए, लेकिन 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार को फिर मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके बाद चारा घोटाले में बंद लालू प्रसाद के साथ उनके बेटा तेजस्वी भी जेल जाएंगे। सोमवार को सुपर्दी नगर उच्च विद्यालय परिसर में आयोजित सभा में ये बातें उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कही। उन्होंने कहा कि इस बार चूक गए तो बिहार 15 वर्ष पीछे चला जाएगा। कहा कि जेल में 12 वर्षों तक लालू रहेंगे, जिंदगी बीत जाएगी, साथ में बेटा भी जेल में रहेगा। बिहार में 5 दिन के लिए सीएम रहे सतीश प्रसाद सिंह का निधन। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और शोषित समाज दल के नेता सतीश प्रसाद सिंह का सोमवार को दिल्ली में निधन हो गया। आपको बता दें कि सतीश प्रसाद सिंह के नाम बिहार में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। वे महज 5 दिन के लिए 1968 में मुख्यमंत्री बने थे।
तो चलिए अब बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है। जी हां, बिहार में पिछले 24 घंटों में 577 लोग कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 218,118 तक पहुँच गई है। बिहार में फिलहाल 8,014 लोग कोरोना के एक्टिव मरीज है। वहीं अगर राजधानी पटना में बात करें, एक बार सबसे ज्यादा 166 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 7 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1097 तक पहुंच गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज 24 घंटों के भीतर 1155 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। शिक्षक के वेतन के लिए करोड़ों रुपए स्वीकृत। बिहार के 2,74,000 टीचर्स का होगा भुगतान। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत बिहार के शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राज्य सरकार ने 1,512,94,00,000 रुपए आवंटित किए गए हैं। बिहार के पंचायती सह और नगर निकाय के अंतर्गत संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं प्रधान अध्यापकों के रूप में कार्यरत 2,74,681 शिक्षकों का भुगतान किया जाएगा। राजद उम्मीदवार ने कहा, बिहार में शराब नहीं जहर पी रहे लोग, होम डिलीवरी में 400 वाला माल 1000 में मिल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में सूबे के मुखिया नीतीश कुमार शराबबंदी पर मतदाताओं को लुभा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेता शराबबंदी कानून की विफलता को लेकर लगातार नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं। जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल होने वाले राजद नेता ने एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में सिर्फ कागज पर ही शराबबंदी है, जमीन पर सभी लोग जानते हैं कि पूरे बिहार में होम डिलीवरी होती है। 400 रुपये का माल 1000 रुपये में मिलता है और 200 रुपये वाला माल 100 रुपये में मिलता है। पहले लोग शराब पीते थे, अब जहर पीते हैं। पहले असली पीते थे, अब नकली पीते हैं, लेकिन पीते तो हैं। दरभंगा से आरजेडी के टिकट पर अमरनाथ गामी चुनाव लड़ रहे अमरनाथ गामी ने कहा कि सीएम नीतीश ने पहले बिहार में शराब की आदत लगाई है। 12वीं के बाद मैट्रिक परीक्षा 2021 को लेकर बिहार बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला। बिहार बोर्ड ने अगले साल 2021 के फरवरी माह में होने वाली मैट्रिक परीक्षा की तैयारी क्रैश कोर्स के माध्यम से जिले के हाई स्कूलों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद शुरू की जाएगी। इस साल दूरदर्शन व स्मार्ट क्लास के माध्यम से मैट्रिक परीक्षा की ऑडियो विजुअल तरीके से बच्ची को अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों के मॉडल पेपर से तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए संबंधित स्कूलों में D2H का कनेक्शन लगाने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। छात्रों को कंटेंट आधारित डिजिटल माध्यम से मैट्रिक की तैयारी शुरू हो जाएगी। जिले के सभी कोटि के हाई स्कूलों में पहले से ही स्मार्ट क्लास के तहत LED TV के अलावा ऑडियो विजुअल सिस्टम लगाया जा चुका है। D2H के जरिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से उपलब्ध कराए गए कंटेंट का प्रसारण किया जाएगा, जिससे बच्चे इसका लाभ उठा सकेंगे। स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई 11 बजे से शुरू होने की संभावना है। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने कर दिया ऐलान, सरकार में आते ही 7 निश्चय जल जीवन हरियाली में हुए घोटालों की करवाएंगे जांच। जी हां, पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पिछले 30 सालों में पुल निगम, भवन निगम, बुडको, 7 निश्चय योजना, जल जीवन हरियाली में हुए भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी। इन सब में संलिप्त सभी मंत्रियों, अधिकारियों और ठेकेदारों की संपत्ति की जाँच 2 महीने के अंदर होगी और भ्रष्टाचारियों को सजा दी जाएगी। आज की अगली बड़ी खबर, MP MLA कोर्ट में रांची से RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद की हुई ऑनलाइन पेशी, मिली जमानत। जी हां, MP MLA की विशेष कोर्ट पटना में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की सोमवार को रांची जेल से ऑनलाइन पेशी हुई। यह पेशी मानहानि के चल रहे एक मुकदमे में हुई। विशेष कोर्ट ने इस मामले में उनकी पेशी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। इस मामले में उनकी उपस्थिति होने पर लालू प्रसाद की ओर से नियमित जमानत अर्जी दायर की गई है। इस जमानत अर्जी पर करने के बाद MP MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने लालू प्रसाद को नियमित जमानत दे दी है। बिहार में दूसरे चरण का मुकाबला आज, इन हॉट सीटों पर पूरे देश की निगाहें। जी हां, राज्य के 94 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में 3 नवंबर यानी आज वोट डाले जाएंगे। इस चरण में बिहार के कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला जनता करेगी। इस चरण में कई ऐसी सीटें हैं
जिन पर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी है। तो सबसे पहले वैशाली जिले के राघोपुर विधानसभा सीट से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दूसरी बार चुनावी मैदान में है। तेजस्वी को महागठबंधन ने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है। तो वहीं दूसरी ओर समस्तीपुर जिले की हसनपुर विधानसभा सीट से पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर पटना जिले के बाकीपुर विधानसभा सीट खूब सुर्खियों में है। इस सीट से अभिनेता और पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। दूसरे चरण की हॉट सीटों में शामिल सारण जिले के परसा विधानसभा सीट से इस बार कड़ा मुकाबला है। जेडीयू ने यहां से पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की समधी चंद्रिका राय को उतारा है और चेरिया बरियापुर विधानसभा सीट से नीतीश सरकार में समाज कल्याण मंत्री रहे मंजू वर्मा को जेडीयू ने फिर से उतारा है। बिहार में सीएम योगी का बड़ा ऐलान, कहा बनेगा राम जानकी मार्ग, सीतामढ़ी से 5 घंटे में पहुंचेंगे अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बिहार में नेपाल से सटे सीतामढ़ी जिले और पश्चिमी चंपारण में रैलियां की। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने सीता के जन्म स्थल के रूप में मशहूर सीतामढ़ी के लोगों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि अयोध्या से सीतामढ़ी के बीच राम जानकी मार्ग बन रहा है। इस मार्ग के पूरा हो जाने के बाद सीतामढ़ी से अयोध्या तक 5 से 6 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। और अंत की बढ़ के लिए जरूरी खबर है, एएन कॉलेज को बनाया गया है स्ट्रांग रूम। मंगलवार शाम 6 बजे से बंद रहेगा बोरिंग रोड इलाके का ट्रैफिक। राजधानी के लोगों के लिए एक जरूरी खबर है, मंगलवार की शाम 6 बजे से बोरिंग रोड चौराहा और पानी टंकी के बीच रोड को बंद कर दिया जाएगा। ना तो किसी प्रकार की गाड़ी जा सकेगी और ना ही आ सकेगी। ये रोड पूरी तरह से ब्लॉक रहेगा। यही हाल मोहिनी मोड़ से सहदेव महतो मार्ग होकर जाने वाली रोड का रहेगा, क्योंकि यह रोड आगे कर श्री कृष्ण पुरी पुलिस चौकी के पास बोरिंग रोड में मिल जाती है। इस कारण से इस रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके लिए रविवार को पटना ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके पीछे का कारण है कि मंगलवार को विधानसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाने हैं। पटना के दीघा, बाकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, बख्तियारपुर, फुलवार शरीफ, दानापुर और मनेर विधानसभा इलाकों में मतदान होना है। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।